हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट जो 11th का टॉपिक है उसको डिस्कस कर रहे हैं, दैट्स अबाउट कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। सबसे पहले हम कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। कंपाउंड्स, देखिए कंपाउंड क्या होते हैं। कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस कंटेनिंग मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स और एटम्स। जो कंपाउंड है ये प्योर सब्सटेंस होते हैं, लेकिन किससे मिलकर बनते हैं, ये मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स और एटम्स। एक से ज्यादा तरीके के जो एलिमेंट होते हैं वो आपस में कंबाइन होके एक फॉर्मूला जनरेट करते हैं, जिसे हम कंपाउंड कह देते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल देखिए, जैसे मैं कहूँ CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये कंपाउंड है। NaCl ये एक कंपाउंड है, लेकिन इसके अंदर से एक सिर्फ एक ही एलिमेंट तो प्रेजेंट नहीं है, सोडियम भी प्रेजेंट है, क्लोरीन भी प्रेजेंट है, कॉपर भी प्रेजेंट है, सल्फर भी और ऑक्सीजन भी। तो यानी डिफरेंट डिफरेंट जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक फिक्स प्रोपोर्शन रेशियो के अंदर कंबाइन होके एक नया फॉर्मूला जनरेट करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे कंपाउंड CuSO4 हुआ, NaCl हो गया, KCl हो गया, या फिर जो वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है, ये सारे के सारे कंपाउंड के एग्जाम्पल। दूसरा देखिए, ऑलवेज प्रेजेंट इन ए फिक्स रेशियो बाय मास। ये भी बता दिया कि अगर मैं कह रही हूँ सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है, तो हमेशा सोडियम क्लोराइड जो है वो इसी रेशियो के अंदर फिक्स मिलेगा हमें, NaCl के अंदर। यानी एक Na तो एक ही Cl लेना पड़ेगा, तो यानी फिक्स रहता है इनका रेशियो बाय मास। ऑलवेज होमोजीनियस इन नेचर, ये होमोजीनियस नेचर के रहते हैं, यानी थ्रू आउट द कंपाउंड जो कंपोजिशन होती है वो सेम रहती है। अगर हम कह रहे हैं कि ये फिक्स होमोजीनियस नेचर का है, इसका मतलब क्या है, होमोजीनियस होगा थ्रू आउट, इसकी कंपोजिशन सेम मिलेगी। जैसे मान लो NaCl का कोई सैंपल लिया हमने, तो उसमें सोडियम क्लोराइड ही प्रेजेंट रहेगा, अगर कोई दूसरी चीज आपने उसमें डाल दी तो फिर वो मिक्सचर हो जाएगा, कंपाउंड नहीं रहेगा। यानी प्योर स्टेट के अंदर प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर मैं कंपाउंड NaCl सोडियम क्लोराइड कंपाउंड की बात कर लूँ, तो उसके अंदर सिर्फ ये ही कंपाउंड होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी दूसरी चीज प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। तो ये होमोजीनियस रहते हैं। फॉर्मेड एज ए केमिकल चेंज, अब CuSO4 है, NaCl है, ये किसी ना किसी रिएक्शन के थ्रू बने होंगे, यानी कोई ऐसी रिएक्शन हुई होगी कोई किसी एलिमेंट के अंदर, किसी मॉलिक्यूल के अंदर ऐसा केमिकल चेंज हुआ होगा जिसके रेस्पेक्ट में CuSO4 बना हो, NaCl बना हो, या कोई भी जो कंपाउंड हम कंसिडर करते हैं वो बन रहा हो, तो ये केमिकल चेंज की वजह से बनते हैं। ठीक है, इनमें केमिकल चेंज होता है। जो कंपाउंड होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, कंपाउंड की क्लासिफिकेशन देखिए दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कौन कौन से दो तरीके के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में, जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन कंपल्सरी एलिमेंट होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी अदर एलिमेंट हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, एसेट्रा, कोई भी दूसरा एलिमेंट हो सकता है। तो इस तरीके की कंपोजिशन से जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जिनके अंदर ऐसी कोई भी कंडीशन कंपल्सरी नहीं होती जो ऑर्गेनिक के अंदर बताई गई है, तो वो क्या रहेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड रहेंगे। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये जनरली क्या रहते हैं, मिनरल्स और रॉक्स। जो रॉक मिनरल होते हैं वो, या फिर और दूसरे तरीके से जो मिनरल ऑब्टेन होते हैं उनसे जो भी चीजें ऑब्टेन होती हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होती है। जैसे देखिए NaCl है, ठीक है, एक सॉल्ट है, और ये हम आपको पता है जो सी वाटर होता है उसके अंदर मिनरल्स की क्वांटिटी काफी हाई रहती है, सॉल्ट की कंपोजिशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो वहां से ऑब्टेन किया जाता है, ये एक इनऑर्गेनिक टाइप का कंपाउंड है। और ये अगर यहाँ पे हम बात करें मान लो एल्कोहल की, C2H5OH इथेनॉल लिया है मैंने यहाँ पे, तो देखो इसमें कंपल्सरी कंडीशन फॉलो कर रहा है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, दो चीजें अगर प्रेजेंट है तो उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, तो ये ऑर्गेनिक तो हो गया, साथ में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी ये क्या रहेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा। तो क्या है ये, इथेनॉल, और इथेनॉल है किस नेचर का है, ऑर्गेनिक नेचर का है। तो ये था कंपाउंड्स के बारे में। अब बात करते हैं हम मिक्सचर्स के बारे में कि मिक्सचर्स क्या होते हैं। देखिए, ए मटेरियल कंटेनिंग टू और मोर सब्सटेंसेस
इन एनी प्रोपोर्शन इज कॉल्ड ए मिक्सचर। अगर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस किसी भी रेशियो के अंदर किसी भी प्रोपोर्शन में आपस में मिक्स होते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, एक मिक्सचर कह देंगे। अब मिक्सचर के तो नाम से ही पता चल रहा है कि हमें यहाँ पे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस क्या करने हैं, मिक्स करने हैं, तभी तो मिक्सचर बनेगा। तो ये होमोजीनियस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये कंपल्सरी नहीं है कि ये होमोजीनियस ही होंगे या हेटरोजीनियस ही होंगे, ये दोनों तरीके के हो सकते हैं, होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेटरोजीनियस भी हो सकते हैं। तो हम क्लासिफिकेशन इसी बेस पे कर देते हैं इसका, होमोजीनियस और हेटरोजीनियस। और ये आपने पढ़ा था होमो का मतलब क्या होता है, सेम, और हिट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, है ना। तो अगर होमोजीनियस है तो फॉर एग्जांपल एयर, यानी थ्रू आउट सेम कंपोजिशन रहेगी एयर के अंदर। गैसेस प्रेजेंट है, क्या हमें ऐसे देख रहे हैं यहाँ एयर प्रेजेंट है तो क्या हमें पता चल रहा है कहाँ पे ऑक्सीजन है कहाँ पे नाइट्रोजन है, नहीं पता चल रहा। यानी वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है, थ्रू आउट सेम कंपोजिशन है, हम देख के ये नहीं बता सकते एयर के अंदर कि कहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, कहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, नहीं बता सकते। तो ये होमोजीनियस नेचर का होगा। अब इसे कहा है कि किसी भी प्रोपोर्शन के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। तो अब एयर के जो कंपोजिशन है वो देखिए, इसके अंदर नाइट्रोजन कितनी होती है, 78% नाइट्रोजन रहती है, 21% ऑक्सीजन रहती है। ऐसा तो नहीं है कि सारी चीज़ें सेम जो सेम प्रोपोर्शन है उसमें प्रेजेंट हो, तो इनके प्रोपोर्शन अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी कैसा सॉल्यूशन बनाती है, होमोजीनियस नेचर का। जो सॉल्यूशंस होते हैं ये भी कैसे होते हैं, होमोजीनियस नेचर के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। जब आप सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे आगे तब आप वहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, यानी इसके अंदर भी जो कंपोजिशन होती है थ्रू आउट सेम रहेगी। एग्जांपल आप इस तरीके से ले सकते हैं, देखिए ये तो एयर का एग्जांपल लिया हमने, गैसेस के अंदर था, सॉल्यूशन लिक्विड के अंदर भी हो सकता है। जैसे वाटर के अंदर हम क्या ऐड कर दें, वाटर के अंदर मैंने सोल्ट ऐड कर दिया, जो NaCl होता है ना, जो हम किचन के अंदर यूज़ करते हैं हाउस होल्ड जो सॉल्ट होता है, तो वो ऐड कर दिया। अब एक ग्लास लिया मैंने और इसके अंदर मैंने पानी लिया और मैंने एक टीस्पून भर के क्या डाल दिया, इसमें सॉल्ट डाल दिया, तो क्या इसके अंदर मिलाने के बाद आप बता सकते हो कि कहाँ पे तो वाटर मॉलिक्यूल है और कहाँ पे NaCl जो सॉल्ट है उसके मॉलिक्यूल है, नहीं बता सकते। यानी उसका थ्रू आउट सेम कंपोजिशन है, और इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस नेचर का मिक्सचर कहते हैं। अब देखो और भी एग्जाम्पल है इसके, ब्रास, ब्रोंज, मेटेलिक, जो सोलिड फेज के अंदर प्रेजेंट रहते हैं मेटेलिक नेचर के होते हैं, कॉपर है जिनके इनकी कंपोजिशंस जो है डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन को मिक्स करके अलॉय बनाए जाते हैं, और ये क्या रहते हैं, थ्रो आउट सेम कंपोजिशन रहती है इनकी, तो ये भी होमोजीनियस नेचर के मिक्सचर होते हैं। लेकिन किस फेज के अंदर है, ये सोलिड फेज के अंदर है, ये गैसियस फेज के अंदर है, और ये लिक्विड फेज के अंदर बताया है, ठीक है। तो हेटरोजीनियस में देखिए, जो हेटरोजीनियस सॉल्यूशन है, अब देखो यहाँ पे कंट्रोवर्सी है, मैंने हेटरोजीनियस में देखिए डिफरेंट, जो डिफरेंट हेटरो का मतलब डिफरेंट है, यानी इनकी जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट सेम नहीं रह सकती, डिफरेंट होगी। अगर इनकी कंपोजिशन डिफरेंट होगी तो क्या हम एयर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हमने लिखा था होमोजीनियस के अंदर। देखिए अगर प्योर एयर प्रेजेंट है तब तो आप उसे होमोजीनियस कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगर एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल आ गए, कौन से पार्टिकल आ गए, डस्ट आ गई, तो उस टाइम पे जो एयर की कंपोजिशन है वो होमोजीनियस ना रह के कैसी हो जाएगी, हेटरोजीनियस हो जाएगी, और अब क्या कहेंगे, एयर जो है वो हेटरोजीनियस नेचर का मिक्सचर है। दूसरा देखिए, मिल्क जो है, मिल्क देखा हुआ है सबने, क्या देखने से पता चलता है वो किस नेचर का है, देखने से तो क्या लगेगा, मिल्क है व्हाइट कलर का, सारा एक साइज तो होता है, तो वो हम क्या समझते हैं, होमोजीनियस है। लेकिन एक्चुअल में जो मिल्क होता है वो कभी भी होमोजीनियस का नहीं होता, बल्कि किस नेचर का मिक्सचर होता है, वो हेटरोजीनियस नेचर का मिक्सचर होता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, मिक्स रहते हैं। आप इस तरीके से लिख दो, फैट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं वो मिक्स रहते हैं,
ठीक है। और जब हम उन्हें अच्छे से माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चलता है कि मिल्क जो है वो होमोजीनियस नेचर का नहीं होता बल्कि हिट्रोजीनियस नेचर का होता है। तो इसके अंदर जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट हो जाती है। अगर सॉलिड भी आपने दो तीन अलग अलग तरीके की चीज़ें ली, जैसे मान लो आपने कोई सॉल्ट ले लिया, NaCl ले लिया या फिर आयरन सल्फेट ले लिया और उसमें आयरन फिलिंग्स ऐड कर दी, तो उस टाइम पे वो चीज़ें आपको अलग अलग दिखाई दे रही हैं। और इस तरीके की जो चीज़ें हैं जो हम नेक्ड आई से जिन्हें अलग अलग देख पा रहे हैं तो या फिर माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख पा रहे हैं, तो वो फिर हिट्रोजीनियस नेचर के मिक्सचर रहेंगे, होमोजीनियस कंसिडर नहीं करेंगे। कभी भी ये गलती नहीं करनी है। इट इज़ ए रिजल्ट ऑफ ए फिजिकल चेंज। इसके अंदर सिर्फ फिजिकल चेंजमेंट आते हैं, केमिकल चेंजमेंट कोई भी नहीं रहता है। यानी ये किसी भी केमिकल चेंज के रिजल्टेंट नहीं कंसिडर किए जाते। ज़्यादातर इनके अंदर कौन से चेंजेस कंसिडर करते हैं हम, फिजिकल चेंज ही कंसिडर करते हैं। तो ये डिफरेंसेस कंपाउंड्स और मिक्सचर अलग अलग से पहले पढ़े, उसके बाद इनको समराइज करके इनके जो डिफरेंसेस हैं वो आप अपने नोट्स के अंदर अलग अलग से लिखेंगे। ओके।